विवेक विहार के बेबी चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हुई है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाए कि बच्चे कहाँ किस जगह एडमिट कराए गए हैं। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि आपके जो बच्चा है वो कब आपने एडमिट करवाया था और अभी तक क्या जानकारी मिली है? सर हमने जो बच्चा एडमिट कराया था कल सुबह हमने 10 बजे के आसपास कराया था। 10 बजे कराने के बाद में फिर हम 2 बजे उससे मिल के आए। बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ था। डॉक्टर ये बोल लेते हैं वहाँ के कि हमें आज सुबह मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में छुट्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें ना तो रात को आग लगने के बाद में ना तो हमें हॉस्पिटल की तरफ से ना जिस बच्चे जहाँ डिलीवरी हुई थी उस हॉस्पिटल की वजह से तरफ से कोई कॉल नहीं आई। एक अनजान आदमी से इस हॉस्पिटल में आपने दिखाया लोकप्रिय हॉस्पिटल के अंदर, ये एक बिहार लोकप्रिय हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारा केस हुआ था। तो बच्चे को जब एडमिट कराया गया था तो चाइल्ड केयर के तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल की लोकप्रिय की तरफ से जानकारी दी गई थी। डिसीजन दिया गया था हमें लोकप्रिय हॉस्पिटल की तरफ से कि ऐसे ऐसे बच्चे दिक्कत है और आप इस सेंटर में ले जाइए आप बच्चे को। वहाँ हम बच्चे को 10 बजे एडमिट कराया है और 10 बजे एडमिट कराने के बाद 2 बजे हम मिल के भी आए हैं उससे। बच्चा हमारा स्वस्थ था, बिल्कुल सही था, मगर फिर हमें को मिलने नहीं दिया किसी को, क्यों कहते हैं कि शिशु को साहब ने कोई वैसे बच्चे को जाने नहीं देते आदमी को। मगर फिर हम गए भी नहीं। हमें सुबह आज सुबह 11 बजे किसी अनजान आदमी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे वहाँ आग लगी थी, आपका बच्चा है, आप वहाँ जाके चेक कर लो। फिर हमने भागे वहाँ, पूछा तो वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ भीड़ भाड़ लग रही थी, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर बताया गया कि हमें कि हमारे GTB में आप जाके पता करो। बच्चे का फादर GTB गए GTV में हमें कुछ नहीं बताया। भगदड़ मच रही थी, प्रेस वाले प्रेस अपनी न्यूज चला रहे थे, मगर किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि ये है। तो अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं लग पाया है, थाने में पुलिस की से बात हुई हो? ऐसा है, फिर बाद में हमें करीबन 3 बजे के आसपास हमें ये बताया गया कि आपका बच्चा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आपका बच्चा GTV के अंदर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हम वहाँ देखने गए, जो मैंने तो बच्चा देखा नहीं था मगर मेरी सिस्टर ने देखा था। वो सिस्टर कहती है वो बच्चा हमारा नहीं है, बच्चा आपका नहीं है। हाँ तो आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे को ये अस्पताल की तरफ से एक भी बार स्पष्टीकरण ये नहीं दिया गया कि ये तुम्हारे बच्चे की ये पोजीशन है, और ना ही हमारे को बच्चे से मिलाया गया। जो मीडिया के माध्यम से हमें जो पता चला है, मीडिया के माध्यम से जब हमने बच्चे की खोज करी है तो पुलिस हमारे को ये कह रही है कि आपका बच्चा ये भी हो सकता है जो चाचा नेहरू में या GTV के अंदर कुछ बच्चे हैं उनके लिए कहती है। अभी यहाँ के IO साहब गए हैं और IO साहब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। और हमारा भाई का जो केस है, जो हमारा छोटा भाई है, उनके ये पहले जो बच्चे हुए वो एक्सपायर हो गए, ये एक बच्चा पिछले साल हमने खोया है, इसमें इस बच्चे को एक ही बच्चा उन पे है और ये इस तरीके का हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि प्रशासन की लापरवाही है, अस्पताल की जो लापरवाही है, इसकी गहनता से जाँच हो कि क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसकी जांच हो, सही तरीके से जांच हो, किस मानक के आधार पे ये आग लगाई। अस्पताल के कोई भी डॉक्टर इंजर्ड नहीं हुआ, कोई नर्स इंजर्ड नहीं हुई, इतने सारे केस हो गए। जब इतना सारा केस हुआ तो जाने के बाद थाने में देखने के बाद ये पता चला कि स्टाफ का एक भी आदमी इंजर्ड नहीं हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चे जल गए। महिलाएं भी हैं कुछ जो आई हैं, आपने देखा था बच्चे को? देखा था? हाँ, बच्चा को देखा था। आप गए थे हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे वो कौन से बेबी पुस्तक कौन सा है उसमें गए थे? हाँ, विवेक विहार में जो है। आप क्या जानकारी मिली अभी तक, आपके बच्चे की कोई जानकारी मिल पाई है? अभी कुछ नहीं मिली है, अभी हम ही चाचा नैनू हॉस्पिटल से आए, वहाँ पे हमारे बच्चे नहीं है, नहीं मिले। और हमें 12 बजे पता चली, जब रात की आग लगी हुई है तो हमें रात को कंफर्म क्यों नहीं करा कि रात आग लगी है? हमको 12 बजे फोन करके बता रहे हैं कि आग लगी वहाँ पे। अब बताओ, जो जिनको पता रात चल गई है वो तो ले गए अपने अपने सब बच्चे, इनको पता है, उनको प्रूफ है कि हाँ ये बच्चा हमारा है, और किसी बच्चे पे टैप नहीं था, है बिगर टैप के ही बता दिया कि ये बच्चा उसका है। अब ये बताओ हमारा, हमें कैसे पता चलेगा हमारा बच्चा कहाँ है? तो आप तब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? 12 बजे से ढूंढ रहे हैं, हमें 12 बजे से ये टाइम हो गया। मतलब थाने, अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल,
कभी चाचा नेहरू अस्पताल हमें आईओ साहब अभी लेके गए, अभी रिसेंटली वहीं से आके खड़े हुए, वहाँ पे भी हमारा बच्चा नहीं है। और इतना कहने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि जो ये करेगी हमारे दुख को समझे। छोटा हमारा एक ही भाई का एक ही बेबी है, अब उसकी भी ये समस्या सुनने में आ रही, प्रशासन ने भी ये नहीं कोई, हाँ आईओ साहब ने हमारे साथ गए, अब जीटीबी जाने का वो कह रहे हैं कि जीटीबी में एक बच्चा है उसको देख लो, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में बता रहे हैं, तो अब स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जाएंगे, ये पोजिशन है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बच्चे के गायब होने की सूचना है, इनको अभी तक नहीं पता चल पाया कि इनका बच्चा आखिर है कहाँ, जीवित है या मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल परिवार परेशान है, थाने के बाहर मौजूद है और इनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी सटीक सूचना नहीं दी जा रही है कि आखिर इनका बच्चा कहाँ पर है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अंशुमन यादव, TV9।